पीएम मोदी का कांग्रेस नेता राहुल गांधी को इशारों में शहजादे कहकर निशाना साधने पर झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि पूरे देश की 140 करोड़ जनता जानती है कि राहुल गांधी शहजादे नहीं शहीद जादे हैं। उन्होंने कहा कि शहजादे प्रधानमंत्री का प्रिय शब्द है जो वो चुनाव के दौरान प्रयोग करते हैं, तो मैं उन्हें बता दूं कि राहुल गांधी उस परिवार से आते हैं जिस परिवार का आजादी हासिल करने से पहले से लेकर आजादी के बाद तक कुर्बानी का इतिहास रहा है, लेकिन मोदी जी जिस जमात से आते हैं उनका देश के लिए क्या योगदान रहा है ये पूरा देश जानता है। जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी जी, उन्होंने 27% के आरक्षण को 14% कर दिया था, कभी उन्होंने उससे बात की क्या? नहीं, हम जो आरक्षण की सीमा है उसको तोड़ के आगे बढ़ेंगे, और जो प्रधानमंत्री चाहते हैं और जो वो आप लोगों से करवा रहे हैं हम उसको कोई तवज्जो नहीं देते हैं। हम समय समय पर निर्णय लेते हैं, हम निर्णय लेने वाले लोग हैं, हम जुमले बकने वाले लोग नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। धन्यवाद। मैं दो बातें, पहली बात तो ये है कि 2024 का चुनाव जो है ये बाइपोलर है। पूरे देश में दो खीमे हैं, एनडीए इंडिया, उनका गठबंधन हमारा गठबंधन, ये देश समझ चुका है, एक एक व्यक्ति एक एक वोटर समझ चुका है। ये मोटी बात मैं कह रहा हूँ कि बाइपोलर इलेक्शन है, आइदर दिस साइड और दिस साइड, देर इज नो स्कोप फॉर एनी थर्ड दिस थिंग, क्योंकि उनको पता है ये देश में अगली सरकार बनाने के लिए इसमें भारत ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे, दो मिशन सामने हैं। इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि जिन जगहों की बात आप ये कर रहे हैं वहाँ की जनता भी काफ़ी पॉलिटिकली होशियार है। हम कल दो दिन वहाँ लगा के आए, मैसेज क्लियर है हमने वोट कहाँ करना है, कोई पर्सन